व्हाट्सएप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई ड्रीम इलेवन के प्रोडक्शन की वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिम्बाब्वे वर्सेस अफगानिस्तान के सेकंड ओडीआई मैच के बारे में। गाइस, फर्स्ट ओडीआई के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे अफगानिस्तान ने गाइस बिल्कुल बहुत आराम से गाइस यहाँ पे जिम्बाब्वे की टीम को हरा दिया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विक्ट्री यहाँ पे बन गई थी गाइस अफगानिस्तान की। गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में भी हमें अफगानिस्तान की टीम देखने को मिल रही है। वहीं बात कर लेंगे यहाँ पे जिम्बाब्वे के लिए, गाइस वो एक नाइटमेयर की तरह था। गाइस वहाँ पे जिम्बाब्वे की जो बैटिंग थी बॉलिंग थी दोनों ने कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करा, इसकी वजह से यहाँ पे गाइस अफगानिस्तान जिम्बाब्वे को हार का सामना करना पड़ गया था अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो गाइस यहाँ पे जिम्बाब्वे की टीम चाहेगी कि गाइस इस मैच को जीत के गाइस अब सीरीज़ में कमबैक करें, सीरीज़ में बने रहें, वरना गाइस यहाँ पे सीरीज़ भी हाथों से निकल जाएगी। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच रहने वाला है। गाइस आप इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो में गाइस आपको इसी बड़े मैच की टीम प्रोवाइड करने वाले हैं, प्रेडिक्शन करेंगे, टीम एनालिसिस करेंगे। तो गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना, वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप हमारा दो काम कर देना, एक तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हमारा टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, प्लीज जाकर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फाइनल टीम। तो गाइस फटाफट देखिए ना गाइस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और फिर गाइस अगर हम पहले बात कर लेते हैं प्लेइंग इलेवन के बारे में, तो गाइस प्लेइंग इलेवन आप चेक आउट कर सकते हैं दोनों टीमों की तरफ से। यहाँ पे प्लेइंग इलेवन आपको देखने को मिल जाएगी। अफगानिस्तान में गाइस काफ़ी ज़्यादा मैच विनर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गाइस यहाँ पे अपने राशिद खान हो गए, यहाँ पे गाइस यहाँ पे लास्ट मैच में गाइस मोहम्मद नबी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी। यहाँ पे गाइस अपने रहमत शाह हो गए, गाइस काफ़ी ज़्यादा हमें लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मर देखने को मिले थे अफगानिस्तान की तरफ से। वहीं बात करें जिम्बाब्वे में, तो गाइस यहाँ पे क्रेग अरविन को स्टार्ट मिला था, बट गाइस स्टार्ट को बड़े रन में तब्दील नहीं कर पाए। वहीं पर बात करें यहाँ पे सिकंदर राजा हो गए, मदवीरे भी गाइस यहाँ पे बिल्कुल ही फॉर्म में हमें देखने को नहीं मिले। मुजरबानी ने गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करके दिखाया था। गाइस मुजरबानी ने ही जिम्बाब्वे की टीम के लिए मैं बताऊं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो गाइस बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाली अनदर हाई स्कोरिंग वेन्यू आपको देखने को मिलेगा ये वाला भी। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे की टीम अपडेट्स के बारे में, तो गाइस जिम्बाब्वे की टीम का लास्ट मैच हार गया, जैसे मैं आपको बताया था। गाइस यहाँ पे आपको टॉप ऑर्डर में देखने को मिलेंगे रहेगी स्टकाब का, एंड गाइस यहाँ पे उनको साथ निभाने आएंगे इनोसेंट काया, नंबर तीन में बैटिंग करने आएंगे क्रेग अरविन, उनके साथ निभाने आपको आपको देखने को मिलेंगे वेस्ली मदवीरे, सिकंदर राजा। बॉलिंग में बात कर ले स्पिन बॉलिंग में आपको देखने को मिलेंगे सिकंदर राजा, रॉयन बर्ल, पेस बॉलिंग में आपको ब्लेसिंग मुजरबानी एंड डोनाल्ड त्रिपानो देखने को मिल जाएंगे। अफगानिस्तान की टीम अपडेट्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, तो कारण अफगानिस्तान गाइस 1-0 की लीड में आ चुकी है। इस मैच के जीतने के बाद गाइस इस मैच जो नंबर टू का मैच है, आफ्टर दिस मैच अगर जीतते हैं तो गाइस आप सीरीज़ पर कब्जा कर लेगी अफगानिस्तान की टीम। तो यहाँ पे गाइस आपको देखने को मिलेंगे नंबर एक पर बैटिंग करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज़, उनका साथ निभाने आएंगे इब्राहिम जदरान, नंबर तीन पर बैटिंग करने आएंगे रहमत शाह, उनका साथ निभाने आएंगे हशमतुल्लाह शाहिदी एंड गाइस नजीबुल्लाह जदरान। वहीं बॉलिंग में बात कर ले स्पिन बॉलिंग में यहाँ पे आपको मोहम्मद नबी, राशिद खान देखने को मिलेंगे, पेस बॉलिंग में पे आपको फजल हक एंड गाइस फरीद मलिक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं की प्लेयर्स के बारे में दोनों टीमों की तरफ से, तो की प्लेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जिम्बाब्वे की तरफ से क्रेग अरविन हो गए, सिकंदर राजा हो गए, मुजरबानी हो गए। अफगानिस्तान की तरफ यहाँ पे रहने वाले हैं गुरबाज़, रहमत शाह, शहीदी, यहाँ पे अपने मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान अगर लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं गई थी उनकी, पर गाइस हो सकता है आपको इस मैच में एक अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे जाएंगे मुजीबुर रहमान। तो गाइस चलते हैं अपने टीम इलेवन की टीम की तरफ। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं अपने पहले विकेट कीपर सेक्शन में, तो गाइस यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो गाइस यहाँ पे गुरबाज़ को पिक कर सकते हैं, या फिर गाइस यहाँ पे अपना चका बाबका को पिक कर सकते हैं गाइस अगर आप चाहते हैं तो। यहाँ पे गाइस हम यहाँ पे फिलहाल के लिए गुरबाज़ को ही पिक करने वाले हैं, क्योंकि गाइस अपने गुरबाज़ जो है गाइस इन्होंने गाइस लास्ट मैच में उनको थोड़ा सा स्टार्ट मिला था, बट गाइस उसको तब्दील नहीं कर पाए थे। तो गाइस इस मैच में गाइस आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं गुरबाज़। बैटिंग में बात कर लें, बैटिंग में यहाँ पे पिक करने वाले अपने जिम्बाब्वे के कैप्टन को, जो कि रहने वाले हैं क्रेग अरविन। यहाँ पे गाइस नंबर सेकंड पिक हमारी रहने वाली रहमत शाह के साथ, शहीदी को पिक करने वाले हैं गाइस, लास्ट पिक हमारी नजीबुल्लाह जदरान के साथ रहने वाली है। लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, पर गाइस इस मैच में आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए अगेन दिखाई दे सकते हैं नजीबुल्लाह जदरान। ऑलराउंडर में बात कर लें, मोहम्मद नबी को पिक करेंगे, लास्ट मैच के हीरो रहे थे गाइस, 4 विकेट हॉल इनके नाम रहा था। उनके बाद यहाँ पे गाइस रजा को पिक करने वाले हैं गाइस, थर्ड पिक हमारे यहाँ पे रहने वाले मदवीरे के साथ, जो कि जिम्बाब्वे के अनदर ऑलराउंडर हैं। बात कर लेते हैं बॉलिंग में यहाँ पे पिक करने वाले हैं गाइस, पहले पिक हमारे यहाँ पे रहने वाले राशिद खान के साथ, जो कि गाइस लास्ट मैच में जैसे मैं आपको बताया था वो एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पे गाइस बॉलिंग में तो अच्छी परफॉर्मेंस करी थी गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे राशिद खान की तरफ से देखने को मिली थी लास्ट मैच में। मुजरबानी को पिक करेंगे, जो कि गाइस जिम्बाब्वे के अनदर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बॉलर हमें साबित हुए थे लास्ट मैच में। अगर हम बात कर लें गाइस, तो थर्ड पिक हमारे यहाँ पे रहने वाले फकल हुक के साथ रहने वाली है, जो कि गाइस अनदर इंपॉर्टेंट बॉलर यहाँ पे बनकर निकले थे अफगानिस्तान की तरफ से।
कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऊपर मैं बात कर लेने का। कैप्टन के लिए देखिएगा सिंपल, ये आपके पास दो ही ऑप्शन मेरे को सबसे बेस्ट लग रहे हैं फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से। या तो आप यहाँ पे राशिद खान को कैप्टन बना के वाइस कैप्टन बना लीजिए मोहम्मद नबी को, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। वना का आप सिंपली इंटरचेंज कर दीजिए, कैप्टन यहाँ पर नबी को बना दीजिए, राशिद खान को वाइस कैप्टन बना दीजिए, क्योंकि गाइस ये दोनों इस कदर की फॉर्म पर चल रहे थे लास्ट मैच में कि गाइस अनस्टॉपेबल फोर्स यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पर यही दोनों बॉलर देखने को मिले थे। गाइस हम फिलहाल कैप्टन यहाँ पर राशिद खान को बनाएंगे, वाइस कैप्टन यहाँ पर मोहम्मद नबी को आने वाले हैं। ये गाइस फिलहाल के लिए हमारी फाइनल टीम रहने वाली है। गाइस आप होप सो गाइस आपको टीम अच्छी लगी होगी, टीम अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नहीं तो गाइस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। गाइस काफी इंपॉर्टेंट टीम ये रहने वाली है गाइस, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द फाइनल टीम। ये वीडियो की थी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।